जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि किस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन में पूछा था अमंग द फॉलोइंग पेयर आइडेंटिफाई द वन विच गिव्स हाइयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यदि आप देखो तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर, देयरफॉर दिस इज द आंसर। This will have higher heat of hydrogenation and less stability. This will have lower heat of hydrogenation and more stability. यदि मैं एक और क्वेश्चन आपसे यहां पर डिस्कस कर लूं, तो मान ले बेटा ये ऐसे आ गया, एक ये आ गया दो। अब आप देख, इस केस में यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है तो क्या प्रॉब्लम है मुझे? यदि मान ले एक को रिड्यूस करने में एनर्जी लग गई, एक को रिड्यूस किया तो क्या होगा? एक मोल हाइड्रोजन खपेगा, एनआई ओब्लिक डेल्टा मारेंगे और बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और एनर्जी रिलीज होगी, अगेन वही वैल्यू ले लेता हूं मैं, 30 किलो कैलोरी पर मोल। बेटा जब आप स्टेबिलिटी देखते हो तो दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू दिस मॉलिक्यूल, दिस इज एरोमेटिक रिंग, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक रिंग। बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब आप देखोगे तो आप अंतर समझना जरा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हरदम ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। इसका कारण सोचो, इसका कारण यह है कि बेटा यहां पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है और यहां पर तीनों डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो तीनों डबल बॉन्ड का जब हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या हुआ, यहां पर आ गया साइक्लोहेक्सेन प्लस 75 किलो कैलोरी पर मोल। आप बात को समझना होशियार से, 75 किलो कैलोरी पर मोल, तो इस स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो जाएगी? कोई भी बच्चा जो आंसर बताना चाहे, मैंने यहां लिखा है 75 किलो कैलोरी पर मोल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बेंजीन रिंग की इस हाइपोथेटिकल वैल्यू जो मैंने दी है, इसमें रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? जल्दी बताएं बेटा, थोड़ा सा माइनस प्लस करोगे तो उत्तर आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा गुणा थोड़ा सा प्लस। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें रेजोनेंस एनर्जी कितनी होनी चाहिए बेंजीन के अंदर? मैं सामने खड़ा हूं शायद, ये बेंजीन है, 75 किलो कैलोरी पर मोल आया। आप मुझे बताएं बेटा रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी इस बेंजीन रिंग के अंदर, यदि यही वैल्यूज मान लिए जाएं जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं तो? जल्दी बोले आप उत्तर सही देंगे। या दिस इज ट्रू, मतलब 15, क्योंकि इसमें वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? इसके अंदर वैल्यू आनी चाहिए थी एक्चुअली 90, क्योंकि एक बॉन्ड को जब हम हाइड्रोजनेट कर रहे थे तो 30 किलो कैलोरी पर मोल आता था, जब तीन बॉन्ड को हाइड्रोजनेट किया तो 90 आना चाहिए था, पर आया तो 75, तो इसका तो 15 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो हो गई इसका रेजोनेंस एनर्जी। अब बात को जरा समझो बेटा, यदि 15 किलो कैलोरी हो गई तो पर बॉन्ड कितनी हुई? पर बॉन्ड तो 25 ही हुई, 25 किलो कैलोरी पर मोल हुई, पर बॉन्ड तो 25 किलो कैलोरी पर मोल हुई, बट तीनों बॉन्ड की मिलाकर के जो रेजोनेंस एनर्जी है, तीनों बॉन्ड की मिला के जो रेजोनेंस एनर्जी है वो तीनों बॉन्ड की मिला के जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो एक बॉन्ड की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो आप जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करोगे तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये फैक्टर आप जनरली तब लगाओगे जब नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है, जैसा कि पहले क्वेश्चन मैंने किया था जो मैंने अभी बोर्ड से मिटा दिया है। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला था कि कौन सा वाला ये है, ये रहा वो क्वेश्चन, नहीं वो मिटा दिया मैंने बोर्ड से, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर थे तो वहां पे आप स्टेबिलिटी देखते, पर जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बॉन्ड को रिड्यूस करने में जो एनर्जी लगेगी वो कम होगी, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो कम होगा, क्योंकि आप एक ही बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कर रहे थे।
जबकि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप तीन तीन बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कर रहे थे, तो एक में 25, दो में 25, तीन में 25, तीनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, जो कि एक से ज्यादा है, 75 हो जाएगी। ओके, यदि मान लो इसी में क्वेश्चन एग्जामिनर ये दे देता कि कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स पर बॉन्ड, तो यदि वो पर बॉन्ड लिख देता तो ऑब्वियस सी बात बेटा उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम हो जाता, क्योंकि पर बॉन्ड इसमें 25 आ रहा है और उसमें तो ऑब्वियसली 30 आ रहा है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों उसमें वेरिएशन आया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अंदर जब आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और बनाता हूं। अब आप यहां पर देखें और खुद डिसाइड करें कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, इस वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे ऑब्वियसली रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है। यदि इसी क्वेश्चन में मैं मान लो इसका ज्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है, दोनों में ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जबकि ये तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं है प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू ज्यादा आएगी व्हेन कंपेयर्ड टू दिस वन। बट इसी क्वेश्चन में बेटा यदि मैं ये वाला बॉन्ड मिटा दूं यहां से, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, तो आप ऑब्वियसली मेरे को बता सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन का ज्यादा है टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट इज 1, 2, 3, 4, 1, 4 डाइईन, 1, 4 पेंट या पेंट 1, 4 डाई इन, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज यू विल कंपेयर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यदि बॉन्ड ज्यादा है तो वहीं पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, पर यदि बॉन्ड्स की संख्या दोनों में बराबर है तो आप स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। ओके, नाउ अगेन ये दो रिंग्स है, यदि मैं आपसे एक और बना देता हूं, ये सवाल पूछो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस रिंग का ज्यादा है, आई थिंक आप बहुत आराम से बोल दोगे सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड रिंग का ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू सेकंड, व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट रिंग, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड आपको दिख गए होंगे डबल बॉन्ड। बट यदि मैं इसी सवाल में आपसे ये पूछूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बॉन्ड किसका ज्यादा होगा, तो बेटा आपको देखना पड़ेगा रेजोनेंस कहां पे ज्यादा मिल रहा है। इसमें रेजोनेंस इस पूरे एरिया पर एक्सटेंडेड है, बहुत एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, जबकि यहां पे सिर्फ इतने बड़े एरिया पर रेजोनेंस एक्सटेंड है, तो ऑब्वियसली बाय रेजोनेंस दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड, तो पर बॉन्ड तो इधर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा और बेंजीन रिंग में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। सो यू हैव टू थिंक ऑफ क्वेश्चंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लाइक दिस।
नाउ सी दिस, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस क्वेश्चन में कंपेयर कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये देखें, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस एक्सटेंड कर रहा है आगे भी, क्योंकि यहां पे एक पी ऑर्बिटल होगा, यहां भी पी ऑर्बिटल है, यहां भी पी ऑर्बिटल है, मतलब न सिर्फ बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है बल्कि ये रेजोनेंस आगे चेन में एक्सटेंड भी कर रहा है। ये पूरा 8 एटम्स पर पी ऑर्बिटल लगा हुआ है, इन पर रेजोनेंस एक्सटेंड कर रहा है, पर इधर देखें तो सिर्फ बेंजीन रिंग पर रेजोनेंस है, इधर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो रेजोनेंस एक्सटेंड नहीं कर रहा है, यहां पर देखें तो यहां भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, यहां पर देखें तो यहां भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है एक्सटेंडेड रेजोनेंस, मतलब बेंजीन रिंग के बाहर भी रेजोनेंस बढ़ रहा है, सो एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिल रहा है। एक बात, 8 एटम्स पर रेजोनेंस है, बाकी सब में 6-6 पे रेजोनेंस है, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर ही सिर्फ रेजोनेंस है। इसके बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन देखें तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन देखेंगे तो पहले क्या करो, डबल बॉन्ड को मार्क कर दो, डबल बॉन्ड को आपने डब्बे में बंद कर दिया, और अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन, इस कार्बन पर ऑब्वियसली 2 हिडन हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पर 3 हिडन हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पर भी 3 हिडन हाइड्रोजन है, तो स्ट्रक्चर इज हैविंग एक्सटेंडेड रेजोनेंस प्लस 8 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 8 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखो बेटा, रेजोनेंस एक्सटेंडेड नहीं है सिर्फ बेंजीन रिंग में, इसको डब्बे में बंद कर दो। अब देखो, एक अल्फा कार्बन ये हो गया, एक अल्फा कार्बन ये हो गया, इस पर एक हिडन हाइड्रोजन हो, इस पर 3 हिडन हाइड्रोजन होंगे, एक अल्फा कार्बन ही है, इस पर 3 हिडन हाइड्रोजन है, और इस पर 2 हिडन हाइड्रोजन है, 3, 3, 6 और 3, 9, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बट याद रखो बेटा इसमें 8 कार्बन पर रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ 6 पर रेजोनेंस है, ये 9 एक और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क रेजोनेंस से पड़ने वाला है, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट टाइम जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे और 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, तो वो काफी ज्यादा डिफरेंस वाला एग्जांपल था, जहां पे रेजोनेंस सिर्फ 2 ही मिल रहा था, हाइपर कॉन्जुगेटिंग 10 मिल रहे थे, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेटिंग ज्यादा स्टेबल हो गया। बट यदि आप किसी स्ट्रक्चर में 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग मिल रहे हैं, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ सी, यहां पे आपने देखा 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, बट रेजोनेंस इज नॉट एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है यहां पे। यहां पर आप देखें, इस डबल बॉन्ड को अगेन डब्बे में बंद कर दें, एक अल्फा ये हो गया जिस पर 3, और एक अल्फा ये हो गया जिस पर 1 H है, इसका मतलब यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपने इसको डब्बे में बंद कर दिया और यहां पर आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। अब आप खुद लिख लें, आप 2 अल्फा हाइड्रोजन, तीनों ही केस में एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं था। अब आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताएं डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसका सबसे ज्यादा है उसका, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं। अब आप यदि नोट कर रहे हो बेटा, तो सभी में नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है, 4 डबल बॉन्ड इधर है, 4 उधर, 4 उधर, 4 उधर, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हुआ? सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो होगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। लास्ट वाला देखो बेटा, लास्ट वाले में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर कम बनेंगे। देयरफॉर यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 एंड दिस वन 4, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4 इज मोर देन 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1 and this is order of heat of hydrogenation, this is order of heat of hydrogenation। I hope the question is clear to you all। ye beta
रेजोनेंस एनर्जी वाला कंसेप्ट था जिसके आधार पे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चंस अभी मैंने आपको एक भी नहीं करवाए, मैंने तो सिर्फ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया। हालांकि रेजोनेंस एनर्जी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट वो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए मैं डिले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले तो मैं आपको बोल रहा था कि रेजोनेंस एनर्जी क्वेश्चन में थोड़ी देर में करवाऊंगा आपको, पहले मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना सिखा दूं। उसके पहले एक बात और मैं आपको बताता हूं, हाउ टू सी वेदर द गिवन स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स of each other, are resonating structures of each other. कैसे देखें कि जो दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है। इसके लिए दो चीजें देखनी पड़ती हैं। नंबर वन, नेट चार्ज शुड बी इक्वल, नेट चार्ज शुड बी इक्वल, नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज जो देखनी पड़ती है यहां पे वो ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। Should be same. Sum of number of bonds plus lone pair of electrons should be same. Number of bonds plus lone pair of electrons का sum जो है वो same होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यदि दो चीजें सही हैं, तो एक दूसरे के वो resonating structures होंगे। मैं आपको एक example बताता हूँ। जल्दी से नोट कर ले सभी लोग। आप चाहें तो शीट में क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर टू। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कैसे चार्जेस मार्क करें इस स्ट्रक्चर पे। ध्यान दें बेटा, कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ, इधर H2 लिखा हुआ है, और एक नाइट्रोजन के साथ। इसके बावजूद कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन बच गए। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज ना हो। इसलिए कार्बन पर मैं एक नेगेटिव चार्ज लगा दूं। आप शायद बात समझ रहे होंगे बेटा, कार्बन पर तीन बॉन्ड बने हुए थे तब भी दो इलेक्ट्रॉन थे उस पर। ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि इस पर नेगेटिव चार्ज ना होता। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। होशियार बच्चे, नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके बावजूद इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हैं, इसके बाद इसके पास कायदे से एक इलेक्ट्रॉन बचा होना चाहिए था, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब निश्चित रूप से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इस नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाए और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस पर मैं कोई चार्ज नहीं लगाऊंगा। नाउ सी हियर, इस स्ट्रक्चर को देखते, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए और दो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में,
और उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इस पे मुझे और कोई चार्ज लगाने की जरूरत भी नहीं है, ना इस पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बनाए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ना हो। बेटा नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना चुका है, इसके बावजूद चार इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ना हो। नाइट्रोजन पर यदि नेगेटिव चार्ज आएगा तभी उसके पास छह इलेक्ट्रॉन होंगे, और छह इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो दो बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास चार इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज मार्क करता हूं। नाउ सी हियर बेटा, कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज ना हो। नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन उस पर चमक रहे हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज लगाने की जरूरत नहीं, एकदम नॉर्मल कंडीशन है। इस नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं और इस पर फिर भी चार इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज मार्क ना हो जाए। अब आप देखें, चार्जेस लगाना आप सीख गए होंगे। अब आप समझे यहां पर क्या ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है, ये बात देखें। बेटा यहां पर यदि आप गिने तो दो बॉन्ड ये दो हाइड्रोजन के साथ, एक ये चार, फाइव सिक्स सेवन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक मैंने ज्यादा लिया लोन पे वो लिया हुआ, दो बॉन्ड यहां एक बॉन्ड यहां, तीन चार पांच छह, तो सिक्स प्लस लोन पे कितना है एक और दो, तो टोटल सब कितना हो गया एट। नेट चार्ज कितना है स्ट्रक्चर पे, जीरो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्जेस जीरो। इस स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज कितना है, स्ट्रक्चर का नेट चार्ज है जीरो, इस स्ट्रक्चर का भी नेट चार्ज है जीरो। इस स्ट्रक्चर पे नंबर ऑफ बॉन्ड गिनो, दो ये चार पांच छह, तो सिक्स प्लस दो लोन पेयर टू बराबर हो जाएगा एट। इसको देखो, दो बॉन्ड यहां, तीन चार पांच, पांच बॉन्ड हो गए और एक दो तीन, तीन लोन पेयर हो गया, द सम कम्स टू बी एट। देयरफॉर सभी में सम आठ आ रहा है, नेट चार्ज सभी में बराबर है, इसका मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। आई होप आपको ये बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी कि दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। सो हाउ टू सी वेदर द टू स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और नॉट, व्हाट यू शुड डू इज दिस, फर्स्ट सी दैट के चार्ज उन पर बराबर है या नहीं है, नेट चार्ज उन पर बराबर है या नहीं है। तो आपने देखा नेट चार्ज तीनों स्ट्रक्चर पर जीरो था, इसका मतलब नेट चार्ज बराबर है। द सेकंड थिंग विच यू हैव टू सी इज वेदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल और नॉट। इसमें आपने देखा इसका सम तीनों में आठ आया था, इसका मतलब ये भी बराबर था, देयरफॉर दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। कल क्लास लेते हुए मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स।